नमस्कार, अमारा ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सजे हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में बहनों की भीड़ देखने को मिल रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं। बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से सभी त्योहारों का रंग फीका नजर आ रहा था, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो बाजारों में रौनक भी फिर से लौट आई है, जिसको देखकर दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर इस बार बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते जहां पिछले 2 सालों से सभी त्योहारों के रंग फीके नजर आ रहे हैं, तो इस बार कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई तो बाजारों की रौनक फिर से लौट आई। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है, जिससे दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाजारों में अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने आई महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार है और हम लोग अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं मांगने के लिए राखियां खरीदने बाजार में आई हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में राखी की बहुत ज्यादा वैरायटी है और मैं बहुत खुश हूँ कि राखी का त्योहार आ रहा है, 1 साल बाद आ रहे हैं। हैप्पी, बहुत ज्यादा खुशी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, पूरी रौनक है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना है यही। बस सभी लेडीज जो भी हैं बस खुश हैं कि हाँ त्योहार आ रहा है, भाई बहन का बहुत राखी। राखी पहले की तरह ही उत्साह दिख रहा है सभी बहनों में अपने भाइयों के लिए। राखी का त्योहार है, सभी वैसे ही शॉपिंग करने आई हैं। कोई कोरोना का किसी को है नहीं अभी इस टाइम कोई भी डर, पर जो एक त्यौहार है अपने भाइयों के लिए, जो बहनें मन्नत मांगती हैं या जो भी है, उसके लिए आराम से शॉपिंग की जाए और प्रॉपर, आई थिंक प्रॉपर सबके फेस कवर है इसमें। वहीं बाजारों में लौटी रौनक को देखकर खासकर दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। राखी का कारोबार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से राखी का कारोबार ठप हो रहा था, लेकिन इस बार राखी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार लोगों में ना बहुत उत्साह है जी राखी के लिए। मतलब लोग मतलब फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद लोग घर से बाहर निकले हैं त्योहार के लिए। बाजारों में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जब अंबाला कैंट के थाना SHO से बात की गई तो उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग अपने वाहनों को सड़क पर उल्टा सीधा खड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहारों को देखते हुए बाजारों में लोग अपने वाहनों को ठीक तरह से खड़ा करें ताकि ट्रैफिक जाम बाजारों में ना लग सके। देखिए, जो त्योहारों को लेकर हमारी स्पेशल तैयारी इस तरह से है, जितने भी हमारे बाजार हैं हमने सब बाजारों में प्रॉपर पेट्रोलिंग की हुई है और इसमें साथ में हम हमारी जो कमेटी है उसकी भी मदद ले रहे हैं अभी, ताकि कोई इंक्रोचमेंट वगैरह ना हो। जैसे आपने अभी देखा, हम बाजारों से लोगों को अपील भी कर रहे हैं अभी, आने जाने लोगों के लिए रास्ता ठीक रखें। अदरवाइज जो अपील को फॉलो कर रहा वो ठीक भी है, अदरवाइज जो नहीं कोऑपरेट कर रहा उसके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कर भी रहे हैं साथ साथ। त्योहारी सीजन की वजह से बाजारों में लोगों की भीड़ है, जिसकी वजह से बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराई हुई नजर आ रही है। ऐसे में अंबाला कैंट के SHO ने लोगों से अपील की कि बाजार में जाने वाले लोग अपने वाहनों को सही तरीके से खड़ा करें ताकि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।